हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ क्वेश्चन काउंट और एडवांस एसटीएम में हम आज का टॉपिक है हमारा अल्टरनेट टैक्स एट्रीब्यूट यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव टू इमेज। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्ट एक एट्रीब्यूट है यानी कि यह किसी टैग के साथ होने वाला कोड है जो कि स्पेसिफाई करता है क्या इमेज के अल्टरनेटिव फॉर्म को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ द इमेज इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्पेसिफाई यूआरएल और ब्राउजर, अगर कोई इमेज हमारा अवेलेबल नहीं हो हमारा स्पेसिफाई यूआरएल में या ब्राउजर में, यानी कि हमारे जो ब्राउजर है उसके अंदर कोई यूआरएल के अंदर या फिर कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं हो, इज अनेबल टू डिस्प्ले द इमेज, अगर वह इमेज को डिस्प्ले करने के लिए अनेबल हो रहा है एज इन केस ऑफ अ टैक्स ओनली ब्राउजर, तो हम क्या करते हैं एक टैक्स ओनली ब्राउजर का यूज करते हैं। और इफ़ द यूजर हैज़ ब्लॉक इमेज टू इंक्रीज द ब्राउजर स्पीड द टैक्स स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट इज डिस्प्ले विच हेल्प्स द यूजर टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ इमेज प्रेजेंट ओवर देयर। देखिए अल्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसका यूज हम क्यों करते हैं, बेसिकली इमेज के लिए करते हैं। इसका यूज हम क्यों करते हैं, इमेज के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई भी इमेज अगर साइज में बड़ा हो, यानी कि हमारा इमेज का साइज बड़ा हो या फिर उसका ग्राफिक्स ज़्यादा हो, यानी कि वो ज़्यादा MB या KB या GB का हो, ठीक है, और हम जब वेब पेज बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा इमेज दिखे नहीं, यानी कि हमारा इमेज हो लेकिन दिखे नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम सेकेंड पार्टी यूजर के लिए, जो यूज़र उस वेब को यूज कर रहा है उसको बताने के लिए अल्ट नाम का एट्रीब्यूट के द्वारा उस इमेज को एक टैक्स के फॉर्म में शो करते हैं। यानी कि इमेज के नीचे अगर हम टैक्स के रूप में लिख दिए IMGAG इमेज, तो क्या है हमें इमेज नहीं दिखेगा लेकिन उस यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इमेज है। जिससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, पहला चीज क्या होगा हमारा स्पीड, ब्राउजिंग स्पीड क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, ब्राउजिंग स्पीड क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि इमेज भी लोडिंग में या अपलोडिंग में क्या है स्पीड को बचाता है, यानी कि स्पीड उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और क्या होगा हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा अल्ट कम करेगा, यानी कि ब्राउजिंग का जो वैल्यू है, सफरिंग का जो वैल्यू है वो कम होगा, जिसके कारण ऑटोमेटिक हमारा नेट क्या है या फिर हमारा वेब क्या है, वेबसाइट क्या है, स्पीडली वर्क करेगा। तो इस चीज़ के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि ये इमेज के साथ यूज किया जा रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि ये इमेज का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अल्ट क्या है, इमेज का एक एट्रीब्यूट है। तो हम क्या लिखे, फॉर्मेट हम देखते हैं IMG SRC, यह मैंने बताया है, इमेज के लिए IMG लिखे और उस इमेज के सोर्स के लिए हम SRC लिखे। फिर हम क्या पिक्चर का नेम दिए जो भी इमेज हम पुट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देन आफ्टर अल्ट नाम का एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ALT अल्ट एट्रीब्यूट। अब अल्ट के साथ हम कोई भी वैल्यू, मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम इक्वल टू के बाद किसी भी एट्रीब्यूट या टैग के बाद इक्वल टू का यूज करते हैं, और दिया गया वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट टैक्स क्या है, यहाँ पे वैसा टैक्स जो कि आप इमेज के बदले देना चाहते हैं, यानी कि इमेज की जगह पे जो टैक्स लिखना चाहते हैं, जो भी नाम हो या कोई सिंबल हो या कोई साइन हो, जो भी देना चाहते हैं इस टैक्स के फॉर्म में हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को फॉर्मेट समझ में आया होगा। आइए प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HTML स्टार्ट किया, हेडिंग, देन आफ्टर हेडिंग के अंदर टाइटल डाला, हेडिंग क्लोज, देन आफ्टर हमारा बॉडी का वर्क स्टार्ट हुआ। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, IMG SRC लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ अलग टाइप से लिखा है, ठीक है, ये भी सेम चीज़ है कि मैंने पिक्चर का नाम नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ अभी मैंने क्या किया, IMG SRC लिया, उसके अंदर हम पिक्चर का नाम लिए, ठीक है। देन आफ्टर अल्ट नाम का एट्रीब्यूट के साथ हम क्या है, इस पिक्चर के जगह पे क्या लिख दिया हम, राइजिंग सन, ठीक है। तो हमारा क्या है, जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमारा क्या है, ये आउटपुट आएगा तो ये इमेज का एक छोटा सा लोगो आएगा, उसके नीचे क्या लिखा आएगा, राइजिंग सन, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई इमेज है और टैक्स के द्वारा वो इंडिकेट किया जा रहा। अब देखते हैं कि ये
हमारा इमेज का नेम कैसे लिया गया है। मैंने इमेज का नेम कैसे लिया है, विद द हेल्प ऑफ पाथ, जो कि हम जिसको क्या कर सकते हैं, लोकेशन पाथ। ये हमारा क्या है, लोकेशन का पाथ है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मैंने कोई भी इमेज एफ के अंदर, पिक्स के अंदर सेव किया है। हमारा इमेज का क्या नाम है, माई नेचर डॉट जेपीजी। तो हम डायरेक्ट माई नेचर डॉट जेपीजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या है, हमारा एक्चुअल पाथ यानी कि हमारा ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। ये क्या है, इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। पहले ये माई नेचर के जगह पे एफ के अंदर जाएगा, फिर पिक्स में जाएगा, फिर इस इमेज को लाएगा। तो हम दोनों तरह से इमेज को दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इमेज का नाम दे सकते हो, या फिर आप उसका पाथ या लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। देन आफ्टर हमारा बॉडी का वर्क कम्प्लीट, देन आफ्टर हमारा HTML, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स इन अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज के अंदर हम हाइपर लिंक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ WWE इज बेस्ड ऑन द लिंक बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा WWE का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बेस किस पे है, डॉक्यूमेंट्स के लिंक के बीच में, ठीक है। विच हेल्प्स द यूजर टू नेगेटिव फॉर वन पेज टू अनदर विदाउट एंट्रिंग द URL ऑफ दैट वेब पेज इन द एड्रेबल। जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी यूजर को नेविगेट फॉर एक पेज से दूसरे पेज में बिना URL डाले, या फिर एड्रेस बार के अंदर, वेब पेज के एड्रेस बार के अंदर बिना URL डाले हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। ये हमारा प्रोवाइड करता है WWE, ठीक है। यानी कि हमारा जो वेब पेज बनता है, ठीक है, ये हमारा एक वेब पेज है जिसके अंदर अगर हमारा 100 पेज है तो हम 1 से 100 पेज के बीच में कभी भी बिना एड्रेस के जा सकते हैं। यानी कि हमारा वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें फिर किसी और एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, उस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज है उसको ओपन करने के लिए। ये प्रोवाइड हमको कौन करता है, WWE, ठीक है। अ हाइपर लिंक टैक्स इज जनरली डिस्प्ले विद द लाइन अंडर द टैक्स एंड अ कलर। जो हमारा हाइपर लिंक टैक्स होता है वो जनरली डिस्प्ले क्या होता है, एक लाइन या टैक्स के द्वारा होता है, किसके फॉर्म में, कलर के फॉर्म में। विच स्पेसिफाई विद इन लिंक एट्रीब्यूट इन द बॉडी टैग। जो कि हमारा कहाँ होता है, बॉडी टैग के अंदर, एक लिंक एट्रीब्यूट के अंदर, यानी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, लिंक एट्रीब्यूट। लिंक एक क्या है, एट्रीब्यूट है। यानी कि हम अपने वेब पेज को हाइपर लिंक कैसे कर सकते हैं, लिंक एट्रीब्यूट के द्वारा, ठीक है। एन इमेज विथ हाइपर लिंक इज डिस्प्ले विथ अ बॉर्डर अराउंड इमेज। जो हमारा इमेज होता है हाइपर लिंक के साथ अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उस इमेज के चारों साइड क्या है, एक बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। क्लिकिंग द हाइपर लिंक वंस यू विल ओपन द लिंक रिसोर्स आइदर इन द ब्राउजर और द एप्लीकेशन टू विच इज बिलोंग विच इज बिलोंग। जब हम किसी भी हाइपर लिंक पर एक बार ओपन करते हैं या क्लिक करते हैं तो हमारा क्या है, इसके अंदर जितने भी लिंक रिसोर्स है, यानी कि उस पेज के अंदर जितना भी लिंक रिसोर्स है, चाहे वो ब्राउजर हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो, वो सभी क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या है, किसी भी हाइपर लिंक को बनाने के लिए क्या करते हैं, लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो कि हमारा बॉडी टैग के साथ यूज होता है। यानी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, लिंक, ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, लिंक एट्रीब्यूट लिखेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसका प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसे नोट डाउन करके कमेंट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप उसे जान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।